Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब लोग. वेलकम बैक टू माई चैनल. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक विंटर स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है और इसके साथ साथ बहुत मज़े की है. सो आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर. और ये गाजर की खीर मैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी. बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे जो ऑलमोस्ट हर एक के घर में मौजूद होते हैं और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है. सो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. गाजर की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली हैं 2 मीडियम साइज़ की कैरेट्स जिनको मैंने पील करके अच्छी तरह वॉश करके कद्दूकश कर लिया है. फिर हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध. आप कोई सा भी फुल फैट मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलपर्स लिया है. उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 6 टेबल स्पून्स शुगर के. आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. ये है ग्रीन कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची. इसको मैं खोल के इसके बीज जो हैं वो निकाल लूँगी और उनको पाउडर कर लूँगी. और वो पाउडर मुझे चाहिए होगा 1 टीस्पून. और ये मैंने कुछ ऑलमंड्स ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. मैंने ले लिए थे 1/2 कप राइस जिनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था 1/2 घंटे के लिए. और उसके बाद इनको मैंने कोर्सली ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा मिल्क डाल के. और आप भी इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो वो फिर खीर का टेक्सचर नहीं आएगा, वो फिरनी जैसा हो जाएगा. सो कीप दैट इन माइंड. और ये मैंने ले लिया है चांदी का वर्क खीर को गार्निश करने के लिए. मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ कर लेते हैं इसको. तो ये हैं जनाब वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे गाजर की खीर बनाने के लिए. तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है 1 लीटर दूध और इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है. हम वेट करेंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए. और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप राइस जिनको मैंने ग्राइंड किया हुआ था. और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें. और ये डाल के अब जो है मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी. अच्छा, चावल जैसे ही पकना स्टार्ट होंगे तो खीर जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी. सो मेक श्योर कि इस स्टेज पे आप कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें और स्पैचुला की हेल्प से साइड्स को भी स्क्रेप करते रहें बार बार ताकि साइड्स पे जो है खीर ना लगे. अब यहाँ खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये आप देखें इसका बहुत अच्छा सा थिक सा टेक्सचर आ गया है. राइस जो इसमें मैंने डाले थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं. और अब एंड पे इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर और शुगर डाल के इसको दोबारा से कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर. और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून इलायची पाउडर. इलायची पाउडर जो है वो डिज़र्ट में हमेशा एंड पे ऐड करना चाहिए. उससे ये कि उसका जो एरोमा और फ्रेग्रेंस है वो बहुत फ्रेश रहती है. और अगर स्टार्ट में उसको डाल दिया जाए तो जब तक आपका डिज़र्ट रेडी होता है उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो उतनी फ्रेश नहीं रहती. सो हमेशा इसको एंड पे डाला करें डिज़र्ट्स में. तो ये मेरी गाजर की खीर रेडी है. इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और गार्निश किया है चांदी के वर्क और स्लाइस्ड ऑलमंड्स के साथ. आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा. आई होप आपको अच्छी लगेगी. और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.